जैसा कि आप जानते हो 11 अगस्त को हमें गदर का दूसरा पार्ट देखने को मिलेगा, लेकिन इस वीडियो में हम आपको गदर के पहले पार्ट की कहानी कुछ ही मिनटों में बता देते हैं, जिससे कि आप दूसरा पार्ट आसानी से समझ पाओ। गदर मूवी में तारा सिंह यानी कि सनी देओल और सकीना उर्फ अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को दिखाया गया है। भारत और पाकिस्तान फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है। इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं। तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते रहता है और इसी दौरान वो अपने पिछले समय को याद करते रहता है जब उसकी मुलाकात कॉलेज में सकीना से हुई थी। तारा और सकीना की पहली मुलाकात सकीना के कॉलेज में हुई थी। तारा असल में एक गायक बनना चाहता था पर उसे मौका नहीं मिला था। जब वो सकीना और उसके दोस्तों से मिलता है तो वो लोग उसे बेवकूफ बनाते हैं कि सकीना एक संगीत शिक्षिका है। तारा को बाद में पता चलता है कि वो कोई शिक्षिका नहीं बल्कि उसी कॉलेज में पढ़ने वाली विद्यार्थी है। सकीना उसके गायकी से काफी प्रभावित रहती है और अपने कॉलेज में हो रहे संगीत समारोह में अपनी जगह तारा को गाने का मौका देती है। तारा के गाने से सभी प्रभावित होते हैं और सकीना अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद तारा को अलविदा कह के अपने घर चली जाती है। वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आता है और उसे किसी तरह उसके अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगता है। बाद में सकीना को लगने लगता है कि उस दंगे में उसके पिता अशरफ अली यानी कि अमरीश पुरी की भी मौत हो गई है। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वो लोग जीत रख लेते हैं। उनका जीवन काफी अच्छा चलते रहता है कि तभी एक दिन सकीना की नजर पुराने अखबार पर पड़ती है जिसमें उसके पिता होते हैं, जिसे वो मरा हुआ समझ रही होती है। वो अब लाहौर के मेयर हैं। वो अपने पिता से मिलने के लिए दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी दूतावास से कॉल करती है और अशरफ अली उसके लाहौर आने के लिए विमान का इंतजाम करता है। हालांकि तारा और उनका बेटा भी साथ में जाने वाले होते हैं लेकिन वीजा की परेशानी के कारण सिर्फ सकीना ही जाती है। वहां जाने के बाद जब सकीना वापस आने की बात कहती है तो उसके माता पिता मना कर देते हैं, जिससे सकीना का दिल टूट जाता है। सकीना के पिता उसकी जबरन दूसरी शादी कराने की कोशिश करते हैं। इसी बीच तारा और उसका बेटा पाकिस्तान में गैर कानूनी रूप से अंदर आ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि सकीना की दूसरी शादी होने वाली है। वे लोग उस जगह पर आ जाते हैं और एक दूसरे से मिल जाते हैं। सकीना के पिता उसके सामने दो शर्त रखते हैं कि उसे पाकिस्तान की नागरिकता लेनी होगी और इस्लाम में परिवर्तित होना पड़ेगा। अशरफ को लगता है कि तारा कभी भी इन दोनों शर्तों को नहीं मानेगा, पर अगले दिन वो दोनों शर्तों को मान लेता है। उसके बाद वो तारा से अपने देश का अपमान करने को कहता है ताकि पता चल सके कि वो सच्चा हिंदुस्तानी है। तारा इससे गुस्से में आ जाता है और एक्शन सीन्स के बीच जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलता है। तारा वहां से सकीना और जीत को लेकर भारत आने के लिए निकल जाता है। इसी बीच उन तीनों को भारत जाने वाली ट्रेन मिल जाती है। वो लोग उसी में बैठ जाते हैं। अशरफ भी उनको रोकने के लिए उनके पीछे पीछे आ जाता है और अपनी पूरी ताकत लगा देता है। इसी बीच सकीना को उसके पिता की गोली लग जाती है। अस्पताल में सकीना कोमा में चली जाती है। जब उसे वापस होश आता है तो फिल्म में दिखाया जाता है कि अशरफ अपने नाती और तारा को स्वीकार कर लेता है और वे लोग वापस भारत लौट जाते हैं। अब इसके बाद की कहानी दूसरे पार्ट में दिखाई जाएगी। दूसरे पार्ट की कहानी वाला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।